बहुत सारे फील्ड्स में जॉब्स अवेलेबल हैं, आप इन वेबसाइट्स को गो थ्रू करें। ये स्पेशली लैटिन अमेरिका से टैलेंट हायर करती हैं, इस तरह की जॉब्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं जिसमें आपको ज़्यादा पोर्चुगीज नहीं चाहिए होती। तो जी अगर आप स्टार्ट में यहाँ पे सर्वाइवल के तौर पे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो जी इस टाइप की जॉब्स हैं यहाँ पर। लोग तो यहाँ पे है नहीं, अच्छी बात है, यहाँ पे आपको लोग ताने मारने वाले नहीं है कि जी पाकिस्तान में 10 लोग देख रहे हो यार ये जो है ना क्लीनर है ये देखो ज़रा, तो जी ऐसे यहाँ पर नहीं है। लर्न पोर्चुगीज इन पाकिस्तान, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जी, जैसे फ्रेंच लर्न करते हैं, स्पेनिश लर्न करते हैं लोग पाकिस्तान से बैठ के जी, वैसे ही पोर्चुगीज़ के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। आपको स्मार्ट प्ले करना है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ जी, आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं ना उसको ऐसे सोचें कि जिसमें आपको और आपकी फैमिली को लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज शेयर करूँगा, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज शेयर करूँगा कि अगर आप ब्राज़ील आ जाते हैं तो आप किन किन जगहों पर काम करके अपनी लिविंग कॉस्ट पूरी कर सकते हैं। क्योंकि जी अगर आप ब्राज़ील आने का प्लान कर रहे हैं तो किसी मकसद से कर रहे हैं और उसी के साथ साथ आपके दिमाग में 10 तरह के सवाल होते हैं कि जी यहाँ पर आ तो जाएंगे लेकिन यहाँ पे अपने लिविंग एक्सपेंसेस पूरे कैसे करेंगे जी, सर्वाइव कैसे करेंगे, अपना घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। तो जी वही आज मैं आप लोगों के साथ कुछ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज शेयर करने लगा हूँ कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप उन जगहों पर काम कर सकते हैं, और कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी शेयर करूँगा कि आप वहाँ पर उन सेक्टर्स में अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। तो जी वीडियो को पूरा देखेगा अगर आप लोग भी जो है ना कोई जॉब या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च कर, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है ना मैं बता दूं कि यहाँ पर तो जी सबसे पहले है ज़ुबान का मसला। अगर आपको पोर्चुगीज़ नहीं आती है तो आप समझ लें कि आप ज़ीरो हैं ब्राज़ील में, लिटरली आप ज़ीरो हैं ब्राज़ील में। आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ भी करने के लिए जो है ना पोर्चुगीज़ ज़ुबान चाहिए। यानी कि अगर आप बाहर निकलते हैं, आप किसी सुपरमार्केट भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको पोर्चुगीज़ बोलनी है, कोई भी इंग्लिश नहीं बोलेगा आपसे। तो ये जो है ना मैं आपको बता दूं कि जो है ना सबसे पहले तो जी आपने पोर्चुगीज़ पे फोकस करना है, और उसके लिए क्या है कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो जी सिर्फ गूगल कीजिए लर्न पोर्चुगीज़ इन पाकिस्तान। इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जी, जैसे फ्रेंच लर्न करते हैं, स्पेनिश लर्न करते हैं लोग पाकिस्तान से बैठ के जी, वैसे ही पोर्चुगीज़ के भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। और मेरा ख्याल है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ना इस भी जो है ना एक पोर्चुगीज़ का कोर्स आपको पढ़ाती है। तो जी आपने ये सर्च करना है, गूगल कीजिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे। जिस भी सिटी में आप रहते हैं वहाँ पर आप कोई ना कोई पोर्चुगीज़ कोर्स सर्च करें और इनरोल हो जाएं। अगर आपने एक यानी कि माइंड में सेट कर लिया कि आप ब्राज़ील आ रहे हैं, खैर इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा जॉब्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं जी, आप कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो जी उसके लिए जो है ना मैं आपको कुछ गारंटी नहीं दे सकता कि यहाँ पर आपको जॉब मिलेगी नहीं। ऑफकोर्स जॉब्स तो भरपूर हैं यहाँ पर, यानी कि बेशुमार जॉब्स हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अगेन ज़ुबान नहीं आती आपको। तो जी अगर ज़ुबान आती है तो जी बहुत अच्छा है, आपके लिए नहीं आती तो जी आपको मैं गारंटी नहीं दे रहा। यहाँ पर मसला ये है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज भी है ना यहाँ पर, उनकी भी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इंग्लिश और पोर्चुगीज़ दोनों आनी चाहिए अगर आप यहाँ पे कोई जॉब करना चाह रहे हैं। तो लेट्स से अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी आपको आप यानी कि अगर उनका कोई जॉब पोस्ट इंग्लिश में, तो जी आप उससे ये नहीं करेगा कि जी बस मुझे इंग्लिश में जॉब मिल रही है। उनकी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट ये ज़रूर होगी कि आपको पोर्चुगीज़ आने चाहिए, क्योंकि जी उनकी ऑफिस की जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश नहीं होगी, वो पोर्चुगीज़ होगी। चाहे वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स डील करते हों लेकिन अंदर जो उनके ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ बोल लेंगे वो पोर्चुगीज़ बोलेंगे, तो आपको वो आनी चाहिए। खैर अगर आप हाईली स्किल्ड हैं और आप कोई ऑनलाइन काम सर्च कर लेना तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स मैं आपको ये जो ना स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, वीडियो में शो हो जाएंगी आपको, कि जो ऑथेंटिक कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पर आप बहुत सारी फील्ड्स में जॉब सर्च कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस, मार्केटिंग, फाइनेंस, आईटी, और भी यानी कि ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस, बहुत सारी फील्ड्स में जॉब्स अवेलेबल हैं। आप इन वेबसाइट्स को गो थ्रू करें। ये स्पेशली लैटिन अमेरिका से टैलेंट हायर करती हैं, ये कंपनीज मेनली होती हैं फ्रॉम यूएस एंड कैनेडा। तो जी अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स चाहिए तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जी इससे बेहतर है कि आप ऑनलाइन जॉब सर्च करें, ना कि आप बाहर जाके जो है ना हज़ार जगहों पे सीवीज बांटें, क्योंकि इन दी एंड मुझे पता है कि शायद आपकी लक ज़ीरो हो यहाँ पे अगर आपको पोर्चुगीज़ नहीं आती। अच्छा एक एस्टिमेटेड सैलरी बता दूँ, अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं किसी US बेस्ड या किसी कैनेडियन बेस्ड कंपनी के साथ, मिनिमम सैलरी है जी $1,000। ये एक एस्टिमेट बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च की है। मिनिमम सैलरी इन तमाम वेबसाइट्स पे आ रही होती है $1,000, और जी मैंने हाईएस्ट सैलरी अब तक देखी है अराउंड $3,000, US डॉलर्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो जी
आपका यहाँ पे $1,000 में भी गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर आप जितना अच्छा अर्न करेंगे तो आप समझें कि आप उतना अच्छा यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं। खैर ये तो हो जी ऑनलाइन जॉब। अच्छा इसके अलावा जी फिर है कस्टमर सर्विस की जॉब्स भी हैं, उसकी डिफरेंट कंपनी है, वो भी आपको यहाँ पर वीडियो में शो हो रही होगी, वहाँ पर भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो मेनली आपको कॉल सेंटर बेस्ड जॉब्स होती हैं कि आपको किसी एक क्लाइंट को कंपनी के साथ कनेक्ट करवाना होता है और आप बीच के कोई अपॉइंटमेंट सेटर होते हैं, इस टाइप्स की जो ना जॉब्स होती हैं, यहाँ पर भी आप अप्लाई करें। मैंने यहाँ पे कुछ दिन के लिए काम किया था जब मैं ब्राज़ील लैंड हुआ था, लेकिन फिर मैंने किसी वजह से वो जॉब को लीव कर दिया था, क्योंकि मेरे बहुत सारी चीज़ों में उसमें डिस्टर्बेंस की हो रही थी क्रिएट की मेरी फैमिली लाइफ एंड ऑल दैट। लेकिन अगर आप हैं तो आप जी कर सकते हैं, उसकी अराउंड मिनिमम सैलरी आप अमन जो कमा सकते हैं ना। अच्छा आज मैं आपको बात करूँगा सिर्फ डॉलर्स में, बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं जी अब हमें डॉलर्स में जो बताया करें, तो जी एक मिनट ज़रा रुकें मैं अपने फ़ोन में देखूँ कि उसके डॉलर्स कितने बनते हैं। तो जी अब मिनिमम जो डॉलर है ना उसके, वो अराउंड $1,200 है जो मैंने सर्च किया है, जो मैं अर्न कर सकता था वहाँ पर। तो जी $1,200 में आप यहाँ पे अच्छा सा गुजारा कर सकते हैं, आपकी एक अच्छी लाइफ होगी, आपको एक अच्छा अपार्टमेंट मिलना सकता है और उससे ज़्यादा फिर आप अच्छी लिविंग कर सकते हैं। खैर ये तो हो गई जी हाईली प्रोफेशनल जॉब्स। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, पहली बात तो मैं कहूँगा आप कोई स्किल सीख कर रहे हैं अगर आप ब्राज़ील जैसे मुल्क में आ रहे हैं। देखें स्किल सीखने के लिए आजकल हम देख रहे हैं जी पाकिस्तान इंडिया में हर जगह कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं जी, IT के, कंप्यूटर साइंस के, वेब डेवलपमेंट हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, ईबे हो गया, अमेजोन हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म है जी यहाँ पे अर्न करने के हज़ारों तरीके बताए जाते हैं। आप गूगल करें, मैं आपको कुछ नाम दे देता हूँ जो मैं समझता हूँ कि ऑथेंटिक है पाकिस्तान में, जैसे कि जी हो गया एक्सट्रीम कॉमर्स, सनी अली और हिशाम सरवर, इनेबलर्स, दंकश, ये जी मैं वीडियोज़ वगैरह इनकी वॉच कर रहा होता हूँ, इनकी सक्सेस स्टोरीज मैं देख रहा होता हूँ। तो जी अगर आपने ब्राज़ील आने की ठान ली है कि जी आपने यहीं आना है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा किसी इन इंस्टीट्यूट्स में जो है ना आप इनरोल हो जाएं, कोई एक इनके कोई ना कोई कोर्स कर लें ताकि आपकी एक अर्निंग स्टार्ट हो जाए। अगर आपकी एक अर्निंग स्टार्ट हो जाती है ना ऑनलाइन, तो जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक ऑनलाइन अर्निंग आनी चाहिए, उसके साथ साथ फिर आप यहाँ पे कोई फिजिकल जॉब करें या फिर आप अपनी कोई साइड इनकम साइड हसल के तौर पर ढूंढें, वो एक अलग बात है, लेकिन एक इनकम आपकी आ रही होगी ना, आप बहुत सुकून में आ जाएंगे कि अच्छा अब मैं ब्राज़ील जा रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। खैर वीडियो लंबी हो रही है, काइंडली इसको आगे भी वॉच कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बताने लगा हूँ। ये तो हो गई जी हाईली स्किल्ड जॉब्स और IT जॉब्स और ऑनलाइन जॉब्स। अब अगर आपको फिजिकल काम करना है ब्राज़ील में, सबसे पहले आएगी जी उबर। दुनिया जहाँ में लोग उबर चलाते हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, US, कनाडा, हर जगह उबर मशहूर है, वैसे ही ब्राज़ील में भी फेमस है बहुत। आप आराम से अर्न कर सकते हैं, सॉरी अगेन अपना फ़ोन यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने आपको पैसे बताने डॉलर में, आप आराम से जो है अर्न कर सकते हैं अराउंड $800 तकरीबन। अब $800 ऑफ कोर्स एक इनकम अच्छी है, एक अच्छी इनकम है, एक एवरेज इनकम से ज़्यादा इनकम है ब्राज़ील में, एक एवरेज इनकम आप समझ लेंगे तकरीबन कोई $500 है पर मंथ, तो उससे अच्छी इनकम है, आप इसमें गुजारा कर सकते हैं। एंड उबर इज़ अ फ्लेक्सिबल जॉब, आपको सुबह जाएँ शाम में जाना शाम में। तो जी आप अगर लेट से किसी कोई आपकी कोई फुल टाइम जॉब है, लेट से आप कोई यानी कि कोई भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं घर से बैठकर, उसके साथ फिर आपने कहा चेयर में शाम में उबर चला जाता हूँ, तो जी ये आप साइड इनकम के तौर पे बहुत अच्छा है। बहुत सारे यहाँ पर यानी कि लोग काम करते हैं, एक पाकिस्तानी भाई है हमारे यहाँ पे कुछ व्हाट्सएप के जो ना बने हुए ग्रुप्स, तो वो बड़े फेमस हैं कि वो उबर करते हैं और वो लोगों को बताते हैं जी मैंने इतना अर्न कर लिया। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन के ये जॉब्स यहाँ पे इन है। अच्छा इसके साथ ही साथ आ गए जी कुछ फैक्ट्रीज में यहाँ पे काम करते हैं लोग, चॉकलेट फैक्ट्री हो गई, चीज़ फैक्ट्री हो गई, वहाँ पे जी पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग के काम, इस तरह की जॉब्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं जिसमें आपको ज़्यादा पोर्चुगीज नहीं चाहिए होती। तो जी अगर आप स्टार्ट में यहाँ पे सर्वाइवल के तौर पे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो जी इस टाइप की जॉब्स हैं यहाँ पर। इसके साथ ही जी पार्किंग की जॉब्स हैं, जो पार्किंग वैले होता है ना, उस टाइप्स की जॉब्स हैं यहाँ पर। और इसके अलावा जी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, बुचर्स की जॉब है यहाँ पर, जिसमें देखिए इन जॉब्स में आपको ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, तो जितनी कम से कम कम्युनिकेशन होगी वो समझें कि आप उसमें आराम से वो जॉब को आप हासिल कर सकते हैं, ना कि आप लेट से कोई कैशियर की जॉब ले रहे हैं जी किसी सुपर मार्केट में। कैशियर की जॉब के लिए तो जी आपको 100% पोर्चुगीज आने चाहिए। तो आप मेरी बात समझ रहे हो कि इस टाइप की जॉब अगर आपको मिल रही है कि जो बैक एंड पे सारा काम चल रहा है, तो जी उसमें आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और जी मिनिमम सैलरी, अगेन एक मिनट रुके मैं ज़रा ट्रांसलेट वो अपना कन्वर्टर देख लूँ। तो जी मिनिमम सैलरी अगेन उन जॉब्स की देखें थोड़ी कम है, आप समझ लें, एक सेकंड रुकेगा ज़रा जी,
अराउंड $400 to $500 हैं, जो कि मिनिमम सैलरी यहाँ पे, बल्कि मिनिमम से भी कम, क्योंकि देखिए जी ये आप समझ लें कि पाकिस्तान वाले हिसाब है कि जैसे हम पाकिस्तान में जॉब्स की सैलरी डिवाइड करते हैं कि जी अगर कोई क्लीनर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई कैशियर है, तो जी हम फिर उसी हिसाब से पे करते हैं, वैसे ही समझे ब्राज़ील का भी हाल है। जितनी कम लेवल की जो उसका ऑक्यूपेशन होगा ना, यानी जो उसकी आप समझ लें कि वो इतनी हाईली स्किल्ड जॉब नहीं है, तो उस हिसाब से फिर उसको जो है ना सैलरीज यहाँ पे दी जाती हैं। तो अगर आप बिल्कुल इन टाइप की जॉब्स करेंगे, हालांकि इन जॉब्स में वो नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पे आपको जैसे यूरोप में मिलती है रिस्पेक्ट, वैसे ही आपको यहाँ पे मिलती है। तो आप ये नहीं समझेगा कि जी अगर मैं कोई क्लीनिंग की या लोडिंग अनलोडिंग की जॉब कर रहा हूँ, तो जी ये आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, लोग तो यहाँ पे है नहीं, अच्छी बात है। यहाँ पे आपको लोग ताने मारने वाले नहीं है कि जी पाकिस्तान में 10 लोग देख रहे हो यार ये जो है ना क्लीनर है, ये देखो जरा, तो जी ऐसे यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पे समझें कि आंखें सबकी बंद हैं और आप अपना काम कर रहे हैं। लोगों की तो खैर पहले भी ना सुने आप, आपको अपना देखना है, अपनी फैमिली लाइफ देखनी है जी, आपने लोगों की नहीं सुननी। खैर तो जी मैं क्या कह रहा था जी, तो जी ये हाँ ये अगर आपको कोई भी जॉब मिलती है करें, मिनिमम सैलरी मैंने आपको बता दी है। ऑफकोर्स इसके साथ साथ फिर अपने और ऑप्शन भी तलाश करें, अगर आपको इसके साथ कोई और जॉब आप कर रहे हैं उन दोनों को जारी रखें। देखिए ये सारे जॉब्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये है जी टेम्प्ररी स्टे के लिए, अगर आप यहाँ पे टेम्प्ररी कुछ करना चाह रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पर आ रहे हैं जी परमानेंट, ऑफ कोर्स ये सारी जॉब इसमें से रिकमेंडेड नहीं है, सिवाय हाईली स्किल्ड जो आईटी जॉब्स हैं या जो ऑनलाइन काम मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, वो रिकमेंडेड है कि आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए करें। लेकिन जो ये सारी जो मैंने आपको अभी जॉब्स बताई हैं, ये बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इनके आश्रय पे ब्राज़ील अपने सोचने के मैं आगे की लाइफ गुजारने आ रहा हूँ। तो जी नहीं, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बिज़नेस करें कोई। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही रहे हैं तो जी आप एक अमाउंट लेकर आ रहे होंगे, नहीं लेकर आ रहे तो जी लेकर आएँ, मैं यही बोल सकता हूँ आपको। यहाँ पे कोई ना कोई छोटी मोटी शॉप खोल लें, कोई सुपर मार्केट खोल लें, कोई हलाल मीट खोल लें। हलाल मीट नहीं, यहाँ पर मुस्लिम्स हैं, यहाँ पर इतने नहीं हैं लेकिन हैं, हलाल मीट नहीं मिलता यहाँ पर, आपको हलाल रेस्टोरेंट्स नहीं हैं। तो जी कोई पाकिस्तानी खाना खोल लें, कोई इंडियन खाना खोल लें, कोई शवरमा खोल लें, इस टाइप के कोई खाने खोल लें, कोई ना कोई छोटा मोटा सैलून खोल लें। यानी कि इस टाइप की आप देखें ना, जो पाकिस्तान इंडिया में बहुत ये सारे बिजनेसेस बहुत इन होते हैं, इस टाइप का कोई यहाँ पे बिजनेस खोल लें। ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन एक बार जब आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा तो जी आपके पास इनकम भी आएगी और आप इसको बिजनेस कर सकते हैं। आपको खुद भी सामने नहीं होना जी, आप पोर्चुगीज स्पीकिंग लोग हायर करें कि जो आपका काम करें और आप बिजनेस को मैनेज करें। तो जी मैंने कहा ये आपको बता दूं। अच्छा बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है यहाँ पर साओ पोलो में, कि अगर आप बात करें तो जी इट्स अ ह्यूज सिटी, यहाँ पर जैसे कराची में आपको हर चीज़ मिल जाती है ना, वैसे यहाँ मिलती है। तो जी आप समझें कि बहुत बड़ा एक हब है बिजनेस का, टेक्सटाइल से लेकर फूड से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर हर चीज़, यानी कि अगर ए टू जी में बताऊँ ना, हर चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब एक भाई हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि वो कराची में बनाते हैं पिंजरे, जिसमें वो हम बर्ड्स वगैरह कैद नहीं करते, पिंजरे बनाते हैं वो। तो जी उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि अगर आप यहाँ पर मैं आपको एक्सपोर्ट करूँ तो आप ये काम करेंगे। तो आप देखें जरा कि यहाँ पे पाकिस्तान से भी लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि जी आप हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताएं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। और मैं कुछ लोगों के साथ अभी कॉन्टेक्ट में हूँ, तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं जी। फुटबॉल पाकिस्तान फुटबॉल बनाते हैं, पूरी दुनिया को बेचता है। तो जी कोई ना कोई ऐसा लिंक बनाएं आप कि आपको पाकिस्तान से फुटबॉल ब्राज़ील आ रही हो और आप कोई मिडलमैन बन जाएं या आपकी यहाँ पर एक कंपनी हो जाए। तो जी देखिए ऑप्शंस हैं, आपको स्मार्ट प्ले करना है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ जी, आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं ना, उसको ऐसे सोचें कि जिसमें आपको और आपकी फैमिली को लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा हो। तो जी मेरा ख्याल वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ जी। अगर आप ब्राज़ील और डेनमार्क की बात करना चाहें तो जी मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन वीडियोज़ लंबी होना जाती हैं और मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, तो सॉरी इसके लिए माजरत। मैं जितनी इन्फॉर्मेशन वीडियोस में आप लोगों को देना चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ उतनी मैक्सिमम दे दूँ। चलें जी इंशाल्लाह, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो कमेंट ज़रूर करेगा, कोई चीज़ मैंने मिस आउट कर दी होगी कमेंट करेगा, मैं उसका जवाब दे दूँगा। और कोई अपनी और भी आइडियाज़ वगैरह या कोई ऐसे चीज़ें जो आप मुझसे जानना चाहते हैं कि जी आप हमें इस टॉपिक के बारे में बताएं, तो जी मुझसे पूछेगा इंशाल्लाह, उसके ऊपर एक फिर न्यू पूरी वीडियो बनाऊंगा। चलिए जी ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।